ओके नेक्स्ट है हमारे पास, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर, राइट। सो जो फर्स्ट है हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, इरेशनल नंबर। तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगी, जब भी किसी रैशनल और इरेशनल का हमारे पास सब्ट्रैक्शन आती है तो वो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल। ओके अब आप इसको इसके साथ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, अब आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हो, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट क्या है, 3, जिसको आप 3/1 पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। तो हमारे पास जो 2 है वो क्या है, रैशनल, राइट। सिमिलरली पार्ट 3 में 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 बाय 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट जाएगा वो 2/7, जिसको आप पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये हमारे पास जो थर्ड वाला है ये क्या आएगा, रैशनल नंबर। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 1/√2, जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 को सॉल्व करोगे तो वो उसकी क्या आती है, इरेशनल नंबर है वो, तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो जब इसको 1 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्टिंग जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, इरेशनल। ओके क्वेश्चन नंबर पार्ट 5, एज यू नो पाई इज इरेशनल नंबर, तो जब आप रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास रिजल्ट भी क्या आता है, इरेशनल। ओके क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, आपने इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके सो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको जब आप सिंप्लीफाई करो तो आप इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट। तो 3 2s आर 6 एंड इट विल बी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इट विल बी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 इनटू 2, राइट, एंड इट विल बी 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, चूंकि हमारे पास जो रेडिकल में जो टर्म आ रही है वो डिफरेंट है इसलिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6, राइट। तो ये आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। सिमिलरली ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारे पास फॉर्म है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, राइट। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 3 which equal to 6, right? इसका आंसर 6 है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इस ये a प्लस b होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ओके सो इट विल बी 5 प्लस 2 into 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, राइट। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, इसमें जो हमारे पास फॉर्म है ये अगेन a प्लस b a माइनस b की फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इट विल बी 5 माइनस 2 एंड द आंसर विल बी 3, राइट। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, आपने इनको क्या करना है, इन डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। सो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है, वो है 1/7, अब आपने इसको जो भी डिनोमिनेटर में अगर वन टर्म है तो आप उसी टर्म से क्या करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, राइट। तो आपने इसको कैंसिल नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड हियर इट विल बी 7 × 7 स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7, राइट। सो हमारे पास ये जो है, हम डिनोमिनेटर को क्या कर चुके हैं, रैशनलाइज, राइट, दिस इज द रिजल्टिंग आंसर। नेक्स्ट इज 1/√7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं और वो क्या है, सब्ट्रैक्ट है। आप जो भी डिनोमिनेटर में टर्म होगी अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रही है तो आपने उसको उसके ऑपोजिट साइन से क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है विद
square root of 7 plus square root of 6 and square root of 7 plus square root of 6. अब आपने इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 माइनस 6, राइट, एंड इट विल बी 1 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6. तो आप 1 लिखो या ना लिखो, इट इज square root of 7 plus square root of 6, right? This is the answer. Next है हमारे पास 1 by square root of 5 plus square root of 2. आपने क्या करना है, इसके opposite sign से क्या करना है, multiply करना है. It will be square root of 5 minus square root of 2 divided by square root of 5 minus square root of 2. राइट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में है वो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर होगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, राइट. सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, राइट. सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 divided by 3. So at the end we can write 1 by 3 and the radical term will be separate square root of 2. So this is how we rationalize the denominator. And question number 4 is also same. You can do it on your own.